हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ESC इजी स्टिचिंग एंड कटिंग। फ्रेंड, आज आपके साथ मैं फुल बाजू में हुक लगाना बताऊंगी कि किस तरह से हम कुर्ती की या ब्लाउज की फुल स्लीव्स बनाते हैं और उसमें नीचे हुक लगाते हैं। ये देखिए, मैंने स्लीव्स को कट कर रखा है। नॉर्मली जैसे हम स्लीव्स को कट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब देखिए क्या करना है, नीचे से हम इधर से इसको डबल फोल्ड कर एक सिलाई चला देंगे। यहाँ पर बहुत इजी और सिंपल तरीके से बताऊंगी। ये देखिए, मैंने सिलाई को चला दिया है। अब स्लीव्स को हम उल्टा करेंगे, ठीक है। अब जितना हमको इसमें बॉटम रखना है, बाजू की गुलाई जितनी रखनी है, उतना हम इस पर नाप डालेंगे। तो मैं 3.5 इंच यहाँ पर बाजू की गुलाई रखूँगी, तो एक नाप में 3.5 इंच पर डालूँगी इस तरह से। और जितना आपको स्लीव्स को खोलना है उतना आप नाप डालिए। मैं यहाँ पे 3.5, 4 या 4 के समथिंग स्लीव्स को खोलूँगी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 4 इंच पर निशान लगाया और एक निशान में 4.5 इंच पर लगाऊंगी, जो कि थोड़ा सा ऊपर हमारी कलाई मोटी होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप अपनी नाप के अकॉर्डिंग निशान लगाई है और ऊपर से हम अपनी इस पर फिटिंग लगा देंगे। मैंने 1.5 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मैं इस पर निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर हम अपनी सिलाई चला देंगे, फिटिंग की सिलाई चलाएंगे। ये देखिए, मैंने बिल्कुल यहाँ तक अपनी सिलाई को चला दिया। यहाँ पर हल्का सा पक्का कर देंगे जिससे कि हमारी सिलाई खुले ना या उधड़े ना, उसके लिए, ठीक है। अब ये हमारी सिलाई चल गई है। अब ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, फोल्ड करने में थोड़ा चौड़ा सा आएगा, इसलिए इसे हल्का सा कट कर दिया है। अब इसको हम निशान को नीचे की ओर भी ले लेंगे इस तरह से। और अब जैसे हम कुर्ती के चाक बनाते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हमें इसको फोल्ड करना है। एक बार ये फोल्ड हुआ, अब इसे अंदर की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस पर मशीन चलाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस तरह से हम इस पर मशीन को चलाएंगे हल्का सा आगे करके। अब सुई हमारी उसी में फंसी रहेगी और हम कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे। अब यहाँ से जो हमारा निशान लगा हुआ है, इधर से भी हम इतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे। सिंगल फोल्ड हुआ, अब इसके बाद इसको डबल फोल्ड किया, जैसे हमने वो वाला उधर वाली साइड किया था। अब मशीन को हम आगे की ओर लेके आएंगे और इस तरह से घुमाते हुए, जिस तरह हम कुर्ती के चाक बनाते हैं, सेम उसी तरह से हम इसको बनाना है। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी डाल सकती हैं, बट मैं तुरपाई नहीं करूँगी। अब ये देखिए, मेरे दोनों साइड रेडी हो गई हैं। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। अब स्लीव्स को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हुक और हाई का हम निशान लगाएंगे कि कहाँ पर हमको हुक और हाई को बनाना है, ठीक है। अब इसको हम हल्का सा तिरछा करके इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक हुक तो बिल्कुल किनारे पर ही लगाएंगे और एक थोड़ा सा बीच में ये निशान लगाएं। इसी को सेंटर में मिलाते हुए हम इधर भी निशान लगाएंगे, ठीक है। अब ये निशान मैंने जो अभी लगाए हैं, इन पे हमको हुक को लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी साइड है, वहाँ पर हम हाई बना देंगे। तो पहले हम हुक लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर 2 हुक अटैच कर दूंगी। ये मैंने दोनों हुक अटैच कर दिए। अब यहाँ पर जो सामने निशान है, इन पर हम हाई बना देंगे। ये देखिए, मेरी हाई बनकर रेडी है और हुक लगकर भी रेडी है। इसको हम इस तरह से इसमें टक कर देंगे। बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये हुक लगाना बताया है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरे सिलाई के कंटेंट आपको पसंद आते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।